स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसे आप सब्सक्राइब करें, बायोलॉजी बाई अंचल सर, और इसे लाइक करें। हम आज देखेंगे डिफरेंट एग्जामिनेशन में आने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। आज से आप बायोलॉजी की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी आप जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशन में आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ेंगे तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं या आते हैं। तो बायोलॉजी चिंता से छोड़ देनी है आपको, और सिर्फ इस चैनल पे आप बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, उनको आप रीड करते जाइए और लर्न करते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन ह्यूमन हार्ट से हैं, ये पहला सेक्शन है। इसके बाद एक आपको दूसरा वीडियो भी जरूर मिलेगा, उससे आप उस क्वेश्चंस को आप जरूर देखें और निश्चिंत हो जाएं, सारे के सारे एग्जामिनेशन में इसके इससे ज़्यादा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सारा टॉपिक कवर किया गया है इसके अंदर, तो आप निश्चिंत हो जाएं। वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, जीएस का सेक्शन है, वो स्टेट एग्जामिनेशन है, वो एसएससी का है, वो आरआरबी का है, इवन क्लास 10 तक का एनटीएससी का एग्जामिनेशन है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये सारा का सारा क्वेश्चंस ह्यूमन हार्ट से है। क्वेश्चन पहला आ रहा है यहाँ पे कि स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट किसे कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट कहते हैं कार्डियोलॉजी को। कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इनमें और चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। इसे कहते हैं हम नेफ्रॉन की स्टडी को, और इसे कहते हैं बर्ड की स्टडी को। क्वेश्चन सेकंड में मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि विच चैम्बर ऑफ हार्ट, कौन सा चैम्बर ऐसा हार्ट का होता है जो रिसीव करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से। इसका आंसर क्या होगा, जो हार्ट का राइट साइड का पहला चैम्बर होता है, ये हमारे पूरे बॉडी से रिसीव करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और यही अगर क्वेश्चन अगर आता है कि कौन सा पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, तो आप बोलेंगे जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। अगर ये कर रहा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। ये करेगा किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ हम। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ देखिए कि विच चैम्बर ऑफ हार्ट सेंड द ब्लड टू द बोथ लंग, दोनों लंग्स को कौन सा चैम्बर ऑफ हार्ट सेंड करता है ब्लड को। तो ये है, इसका आंसर है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, हार्ट के हार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कौन सा ब्लड जा रहा है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का ब्लड का ट्रांसफर किया जा रहा है लंग्स में, तो ऐसे ब्लड का ट्रांसफर किया जा रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, और उसे कहते हैं हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि विच चैम्बर ऑफ हार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से कौन सा चैम्बर जो हमारे हार्ट का है वो रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो इसका आंसर क्या होगा, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम जो है। ये लंग से ब्लड जब आता है तो सारा का सारा ब्लड इसी चैम्बर में आता है, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम मूव करेंगे फाइव के तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव ये कह रहा है कि विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स को पूरे बॉडी के अंदर कौन सा रुधिर को भेजने का काम कर रहा है हार्ट का चैम्बर, एक्सेप्ट लंग, लंग्स में वो नहीं जा रहा लेकिन सारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट जो वेंट्रिकल है ये पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, ब्लड को सेंड करता है, बाकी कोई पूरे बॉडी को पार्ट को नहीं करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर छः आया, ये कह रहा है कि विच चैम्बर ऑफ हार्ट इज स्ट्रांगेस्ट, कौन सा सबसे मजबूत होता है, चैम्बर ऑफ हार्ट कौन सा मजबूत होता है। तो वही चैम्बर मजबूत होगा जो पूरे बॉडी को भेजेगा। तो जो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, काफ़ी चौड़ा ये होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पूरे बॉडी पार्ट को ब्लड डिलीवर करता है। तो आंसर इसका क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी पार्ट को सेंड करता है ब्लड, इसीलिए इसकी मसल्स क्या होती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे। इन विच चैम्बर ऑफ हार्ट एसए नोड इज प्रेजेंट, ये ध्यान से आपको याद रखना है। इसे कहते हैं हम क्या, सिनो एट्रियल नोड। इसे कह रहे हैं क्या, सिनो एट्रियल नोड।
हो सकता है इसका आपको फुल फॉर्म पूछ ले कि क्या होता है, तो कहेंगे इसको क्या साइनो एट्रियल नोड जो है ये किस चैम्बर में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर है कि पहला वाला जो चैम्बर है राइट एट्रियम, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। कोई भी जो नोड होगा वो प्रेजेंट कहाँ होगा, पहले वाले चैम्बर में ही प्रेजेंट होगा। किसी भी नोड के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे कि पहले वाले नोड में क्या है, पहले वाले चैम्बर में वो प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि बोथ एट्रियम आर कॉन्टेक्टेड बाई, दोनों जो अपर वाले जो चैम्बर होते हैं उन्हें हम एट्रियम कहते हैं, हम ऑरिकल भी कहते हैं, ये दोनों कैसे कॉन्टेक्टेड होते हैं, किसकी वजह से कॉन्टेक्ट होते हैं, तो यहां देखिए नाम आ रहा था यहां पे क्या इसमें लिखा हुआ है साइनो एट्रियल, जिसके अंदर एट्रियल वर्ड आया वही क्या करेगा इन दोनों एट्रियम को कॉन्टेक्ट करने का काम करेगा, तो यहां लिखा हुआ है साइनो एट्रियल, तो यही क्या करेगा इसे कॉन्टेक्ट करने का काम करेगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं, जो हार्ट में जो लोअर वाले चैम्बर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये चैम्बर लोअर वाला जो चैम्बर दिखाई दे रहा है आपको, ये दो वेंट्रिकल हो गए और दो अपर वाले क्या हो गए यहाँ पे, दो ऑरिकल हो गए। अब इन दोनों को, इन नीचे वाले को कौन कॉन्टेक्ट करता है, तो इसका आंसर है बी ए वी नोड, क्योंकि ए वी नोड का फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर, तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है ये क्या करता है दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्टेक्ट कराने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे हम यहां पे, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है विच वन इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर नेचुरल पेस मेकर हार्ट का कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे नेचुरल पेस मेकर जो है ये ऐसे नोड को ही कहते हैं, ये बहुत छोटा सा टिश्यू है, ये 3 मिलीमीटर के अराउंड आता है, और ये क्या है ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, और ये दोनों एट्रियम में सेंड करता है, और इसकी वजह से दोनों एट्रियम कॉन्टेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से दोनों वेंट्रिकल क्या करते हैं कॉन्टेक्ट करने का काम करते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है यहां पे कि इन विच चैम्बर ऑफ हार्ट एवी नोड इज प्रेजेंट, इन विच चैम्बर ऑफ हार्ट एवी नोड इज प्रेजेंट, किस चैम्बर में एवी नोड है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि नोड कभी भी पूछेगा तो आप बोलेंगे कि पहले वाले चैम्बर में क्या होगा प्रेजेंट है, और पहला वाला चैम्बर जो है उसे कहते हैं क्या राइट एट्रियम, राइट साइड का जो एट्रियम है ये फर्स्ट चैम्बर है, इसी में ब्लड आता है पूरे बॉडी पार्ट से, और ब्लड क्या होता है ये डीऑक्सीजिनेटेड होता है, मतलब कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन सा है, तो हम देखेंगे इसका आंसर ये क्या होगा कि जो पेस को जनरेट करता है उसे कहते हैं हम एस ए नोड, क्योंकि यही करंट को जनरेट करता है, तो पहले दो एट्रियम राइट साइड के एट्रियम और लेफ्ट साइड के जो एट्रियम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रेक्शन इसके वजह से जनरेट हो रहा है पहले पहले, और ये भी क्या है कहाँ प्रेजेंट है, तो पहले वाले चैम्बर में प्रेजेंट है, तो नेचुरल पेस मेकर को हम क्या बोलते हैं एस ए नोड बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ट के अंदर एट्रियम का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है तो कौन सा जिम्मेदार है, तो आंसर क्या होगा अगर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है एट्रियम के अंदर तो ये एस ए नोड जिम्मेदार है। अगर ये खराब हो जाता है, ये वर्क नहीं करता, तो डॉक्टर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं, ये एस ए नोड की जगह लेता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है यहाँ पे देखिए विच चैम्बर ऑफ हार्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर, अगर बात करें कि कौन सा चैम्बर स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है, तो ये चैम्बर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ये है चैम्बर क्या लेफ्ट वेंट्रिकल, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि इसके पास मसल्स की जो थिकनेस है ये काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए क्या है ये हम कहेंगे इसको ये चैम्बर क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है, ये पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, बाकी चैम्बर्स राइट वेंट्रिकल क्या राइट एट्रियम क्या करता है ये राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है, और जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करता है सप्लाई करने का काम करता है, तो ये क्या करता है पूरे बॉडी पार्ट में क्या करता है ब्लड सेंड करता है एक्सेप्ट
लंग्स को, लंग्स को ये नहीं भेजता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वेंट्रिकल्स पर बीट की बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स हार्ट बीट इन ए मिनट, एक मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है एक हेल्दी पर्सन के अंदर। तो हार्ट जो बीट है वो जनरेट किससे होती है, याद रखिएगा एसए नोड से होती है। एसए नोड जो है ये फायर करता है करंट को 72 से 75 टाइम्स। तो जितना ये फायर करेगा करंट को, जितना ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, उतनी ही हमारी क्या होगी, हार्ट बीट होगी। तो हार्ट बीट क्वेश्चन अगर ये भी आ गया कि हमारी हार्ट बीट किससे रिलेटेड है, तो आंसर कर देंगे कि आप हमारी हार्ट बीट रिलेटेड किससे, एस ए नोड से रिलेटेड होती है। तो आंसर का क्या होगा, 72 से 75 टाइम्स पर बीट, एक मिनट में इतनी बार हमारा हृदय हार्ट धड़कने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हार्ट के अंदर पहला साउंड जो बनता है, जो पहले साउंड की आवाज आती है वो किस वजह से आती है। तो यहाँ दिया है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि व्हेन राइट एट्रियम इज कॉन्ट्रैक्टेड, जो पहला एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से आती है। नहीं, आंसर नहीं है। दूसरा कह रहा है कि व्हेन लेफ्ट एट्रियम इज कॉन्ट्रैक्टेड, नहीं ये भी इसका आंसर नहीं है। अब यहाँ लिखा है यहाँ पे क्या कि व्हेन बोथ वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्टेड, यस ये इसका आंसर है कि जब दोनों वेंट्रिकल एक साथ, कौन से दोनों वेंट्रिकल, राइट साइड वाले भी और लेफ्ट साइड वाले, जब दोनों वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनसे ब्लड निकल के लंग्स की तरफ जाता है और बॉडी पार्ट की तरफ जाता है, इससे बॉडी पार्ट की तरफ जाता है, इससे निकल के लंग्स की तरफ जाता है। तो इसके वजह से वॉल्व्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और इस वजह से वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से, वेंट्रिकल के सिकुड़ने से, वेंट्रिकल के पंप करने से ये साउंड जनरेट होती है, हार्ट की पहली साउंड जनरेट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी वजह से जनरेट हो रही थी, तो दोनों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से हार्ट की पहली साउंड जनरेट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये कह रहा है कि इन पर बीट ह्यूमन हार्ट रेस्ट, अगर देखा जाए तो अगर हमारा हार्ट जो है ये 72 टाइम्स धड़क रहा है पर मिनट में, तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा। हम पहले ये देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि पर बीट में कितना टाइम लगता है, तो अब ये देखेंगे कि 0.8 सेकेंड लगता है पर बीट में। ये जो 0.8 सेकेंड है ये डिवाइड कर दिया गया किसमें, देखिए यहाँ पे, तो दोनों जो अपर वाले एट्रियम हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनमें कुल मिला के सिर्फ 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, और जो दोनों वेंट्रिकल हैं नीचे वाले इनके कॉन्ट्रेक्शन में 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। अगर देखा जाए कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन में, दोनों वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन में दोनों मिला के कितना है, 0.3 सेकेंड, दोनों इतने ही एक ही टाइम के लिए धड़कते हैं, दोनों साथ धड़क रहे हैं यहाँ पे 0.1 सेकेंड के लिए, तो बचा हुआ टाइम कितना हो गया, ये बचा हुआ टाइम कितना हो गया, 0.4 सेकेंड हो गया। तो पर बीट में 0.8 सेकेंड में जो हार्ट है वो इस टाइम के लिए रेस्ट करने का काम करता है। तो कहेंगे इसको कि 0.4 सेकेंड के लिए हार्ट क्या कर रहा है, रेस्ट करने का काम करता है। इस रेस्ट को हम बोलते हैं क्या, ज्वाइंट डायस्टोल। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां पे 17 क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना ब्लड पंप किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से पर बीट में। पर बीट का मतलब कि जो 72 टाइम्स बीट हो रही है उसमें कि हम एक बीट की बात करें, जिसमें टाइम कितना लग रहा था, जिसमें टाइम लग रहा था 0.8 सेकेंड का टाइम लग रहा था। तो इस 0.8 सेकेंड में जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल का मतलब कि जो लोअर वाले चैम्बर्स हैं उनकी बात करें, राइट वेंट्रिकल की बात करें या लेफ्ट वेंट्रिकल, क्वेश्चन कोई भी आता है आंसर क्या होगा, एक ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, 70 ml इसका आंसर होगा कि पर बीट में जो वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को वो 70 ml होता है, और इस पंप को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये भी क्वेश्चन आता है अगर बड़े एग्जाम में तो क्या बोलेंगे इसको, हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 आपका वेट कर रहा है। विच वन इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, सबसे हार्ट का स्मॉलेस्ट चैम्बर कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट चैम्बर जो होता है वो सबसे छोटा चैम्बर होता है, ये लेफ्ट साइड का अपर वाला चैम्बर जिसे हम कह रहे हैं क्या, लेफ्ट एट्रियम, ये स्मॉलेस्ट चैम्बर है।
इस बात को आप ध्यान देंगे। यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये वेट कर रहा आपका यहाँ पे, कह रहा है कि विच वन सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, विच वन सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, जो हार्ट की मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्ट की मसल्स को सप्लाई कौन करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी करती है, पल्मोनरी वेन करती है, पल्मोनरी कोरोनरी करती है, नहीं, ये सारे के सारे गलत ऑप्शन है, ए बी सी गलत है। तो आंसर क्या होगा, जो कोरोनरी आर्टरी है इसको आप फोकस करेंगे, कोरोनरी आर्टरी ही क्या करती है, हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती है। मतलब ये जो ब्लड जा रहा है इसके अंदर ये ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजन से भरपूर होगा, इसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीजनेटेड कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है तो किस आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है, तो जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है ये कोरोनरी आर्टरी, तो आप कहेंगे कि कोरोनरी आर्टरी में ही ब्लॉकेज होने से कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ पाया जाता है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ये हर सेल से, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में क्या होता है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर एक माने कि ये हार्ट की क्या है, कोशिका है, ये सेल है, तो इसके बीच में प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, अलाउ करता है इस सेल से दूसरे सेल्स के अंदर आयन को पास करने में। इससे सारी की सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं। जो हार्ट की सेल्स होती हैं वो ब्रांच सेल होती हैं, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। और ये सारी की सारी क्या है, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब कि ये आपकी इच्छाओं से नहीं चलती, जो हमारा माइंड सिग्नल देता है उसके हिसाब से चलती हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि हर एक चैम्बर की जो बनी हुई मसल है उन सबके अंदर, जो पूरी की पूरी हार्ट की मसल्स हैं उन सबके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, और ये आयंस को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 वेट कर रहा है आपका यहाँ पे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। विच वन इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, हार्ट का पहला ध्वनि कौन सा होता है। तो हार्ट की जो पहली ध्वनि है उसे हम कहते हैं लव। याद रखिएगा यहाँ पे हार्ट की पहली ध्वनि क्या है, ये है लव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि विच साउंड ऑफ द हार्ट इज लाउडेस्ट, हार्ट के अंदर जो दो साउंड जनरेट होते हैं उनके अंदर पहला जो साउंड है अभी आपने देखा वो क्या है, लव है। तो जो पहला साउंड होगा उसके अंदर ही जो ध्वनि होगी काफ़ी तेज होगी। तो यहाँ दिखाई दिया जो लव साउंड है इसके अंदर ध्वनि क्या है, काफ़ी तेज होती है, लाउडेस्ट कहलाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ये कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट जो है, हमारा जो हार्ट है ऊपर से कितनी मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है। ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो इसका आंसर है हमारे हार्ट के ऊपर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस पहली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और दूसरी है विसरल पेरिकार्डियम। मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम एक चीज़ मैं आपको और बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो आ सकता है एग्जामिनेशन में, वो ये है कि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे एक लिक्विड पाया जाता है, और इस लिक्विड को हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसे हम, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं इसे हम, जो हार्ट तक जो भी कोई भी अगर चोट लग रही है तो उसको पहुंचने से रोकने का काम करता है और हार्ट को धड़कना इजी बनाता है। बॉडी का कोई भी आर्गन होगा, जो इम्पोर्टेंट आर्गन जैसे लंग्स हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, इन दोनों के ऊपर ये दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगी, ध्यान दीजिएगा, और इन दोनों के बीच में ये लिक्विड क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। तो ये आर्गन्स प्रेजेंट हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लीवर के ऊपर कौन सा प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे ग्लिसंस कैप्सूल। ग्लिसंस कैप्सूल जो होता है ये एक टिश्यू से बना हुआ है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है लीवर को। हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि ह्यूमन फीमेल का जो है, जो महिला का जो हार्ट होता है वो कितने ग्राम का होता है।
तो जो महिला का हार्ट है वो, अगर कहा क्वेश्चन आ गया मेल का हार्ट कितना होता है, ये पुरुष का सिंबल होता है, ये मेल का सिंबल होता है ये वाला, ये यूनानी सभ्यता में इसे देवता, मेल देवता को बनाया, डिनोट किया गया है, इसलिए मेल का सिंबल इसे कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे, तो जो ह्यूमन मेल का जो हार्ट है वो 300 ग्राम का होता है और आपकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जितनी बड़ी हमारी बंद मुट्ठी होगी उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होगा, और ये 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है मेल के अंदर। तो मेल से हमेशा क्या होता है, फीमेल का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, हार्ट का वेट कम होता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर कि ह्यूमन फीमेल के जो हार्ट की जो वेट है वो क्या है, 250 ग्राम्स होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ पे ये कह रहा है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, हमारे बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी है, आर्टरी हमेशा हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम करती है, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा हार्ट से ब्लड को ले जाएगी, वही क्या कर ऑर्गन्स में ले जाती है, कहाँ ले जाती है, बॉडी के ऑर्गन्स में ले जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, क्लियर है। और आर्टरी जनरली क्या करती है, मोस्टली ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसे ले जाने का काम करती है। तो हमारे बॉडी की जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो है एआर्टा, वो एआर्टा आर्टरी है जो है हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। मूव करते हैं हम आगे की तरफ यहाँ पे, कि क्वेश्चन में जो 6 कह रहा है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, विच वन हैव वॉल्व, किसके अंदर वॉल्व पाया जाता है। तो बहुत आसान है, वॉल्व्स की स्पेलिंग स्टार्ट होती है वी से, और वॉल्व पाया जाता है वेन के अंदर। तो वी और वी का फैक्टर आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेगा नहीं। और किसी के अंदर वॉल्व नहीं पाया जा रहा, आर्टरी के अंदर नहीं पाया जा रहा, कैपिलरी के अंदर नहीं पाया जा रहा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं पाया जा रहा, ये भी आर्टरी है, सिर्फ पाया जाएगा कहाँ पे, तो वी से वी का आप क्या करेंगे, सिग्नल क्या करेंगे, आप बना के रखेंगे, इसका आंसर है वेन। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज एक्सेप्शनल आर्टरी, अगर आर्टरी एक्सेप्शनल होती है इसका मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि आर्टरी जो है हमेशा ब्लड लेके जाती है, और जो ब्लड लेके जाती है वो होती है, वो होता है ऑक्सीजन से भरा हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं हम इसे। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एक आर्टरी है जो हार्ट के राइट साइड से, राइट साइड की बात करें तो जो हार्ट का जो राइट साइड का वेंट्रिकल है, नीचे वाला जो पोर्शन है, यहां से ब्लड लेके जाती है लंग्स के अंदर, और ये जो ब्लड होता है इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसे हम क्या कहते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो इस आर्टरी को हम बोलते हैं जो ब्लड लेके जा रही है, इस आर्टरी को हम बोलते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लंग्स का दूसरा नाम ही क्या होता है, पल्मोन्स। तो पल्मोन्स के अंदर लेके जा रही है, और ब्लड कौन सा लेके जा रही है, डी ऑक्सीजन लेके जा रही है, इसलिए आर्टरी क्या है, एक एक्सेप्शनल आर्टरी है, एक अपवाद वाली आर्टरी रहेगी ये। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। अगर हमने यहाँ पूछा आर्टरी के बारे में, तो यहाँ देखिए, विच वन इज द एक्सेप्शनल वेन, हमारे बॉडी में कौन सी एक्सेप्शनल वेन है। तो पहले मैं बता देना चाहूँगा, वेन हमेशा जो है आर्टरी के अपोजिट कैरी करती है। अगर आर्टरी के अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड था, तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो क्या होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ देखते हैं ये कहाँ से कहाँ कैरी कर रही है, तो जो दोनों लंग्स हमारे पास हैं, जो टू लंग्स हैं, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला, इन दोनों लंग से जो ब्लड लेके जाती है लेफ्ट साइड के हार्ट के अंदर, और लेफ्ट साइड का जो हार्ट है उसका पहला चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम, अपर वाला पहला चैम्बर। तो ये ब्लड लेके आ रही है, और ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि ये ब्लड सारा का सारा लंग से आ रहा है, और लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा, कि ये जो लेके आने वाली है दोनों लंग से, लेफ्ट और राइट लंग से, जो लेफ्ट साइड के पहले चैम्बर लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रही है, ये है आपकी पल्मोनरी वेन, क्योंकि लंग्स से लेके आ रही है। मैं फिर बताने की कोशिश करूंगा कि लंग्स का नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है, पल्मोन्स होता है। तो पल्मोन्स से ब्लड लेके आ रही है, इसलिए क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी वेन कह रहे हैं। दो क्वेश्चंस और बचे हैं, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बायोलॉजी के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ते रहिए मन लगा के, बायोलॉजी सिर्फ आप इस चैनल पर देखते रहिए, आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा,
इससे आप पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन में आप सारे के सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस आप निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अभी ये ब्लड हार्ट के सिर्फ 30 क्वेश्चन हैं, अगले वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन और मिलेंगे, उसके बाद ब्लड के क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये कह रहा है कि जो ब्लड है वो 64% किसके अंदर रहता है, बॉडी में हमेशा 64% ब्लड कहां पे प्रेजेंट रहता है, क्या वो आर्टरी के अंदर रहता है, क्या वो कैपिलरी के अंदर रहता है, या क्या वो दोनों के अंदर रहता है? नहीं, तो जो 64% ब्लड है ये सिर्फ और सिर्फ वेन के अंदर रहता है। तो क्यों ब्लड ज्यादा रहता है, क्योंकि वेन की जो मसल का एरिया है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसके अंदर जो ल्यूमेन वाला स्पेस है जहां ब्लड फ्लो करता है, इसे हम ल्यूमेन कहते हैं, इस वाले स्पेस में एरिया ज्यादा है, इसलिए यहां पे 64% ब्लड हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो आर्टरी में कितना रहता है, इसके अंदर रहता है अप्रॉक्स 16% ब्लड रहता है। बाकी ब्लड कहां पे है, हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर एक ब्लड बैंक है, उसके अंदर भी कुछ ब्लड क्या होता है, डिपॉजिट रहता है। कैपिलरी के अंदर समझिए कि सिर्फ 5% ब्लड क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। मूव करते हैं, इन सब की अगर बात करें, क्वेश्चन आता है कि इन सब में सबसे पतला कौन है, तो आर्टरी जो है वो 3 वॉल से मिलकर बनी हुई है, वेन भी जो है वो 3 वॉल से मिलकर बनी हुई है, लेकिन जो कैपिलरी है वो सिर्फ सिंगल सेल की वॉल से बनी हुई है, तो सबसे थिनेस्ट जो होगी वो क्या होगी, सबसे पतली जो होगी वो क्या होगी, कैपिलरी होगी, और ये सिर्फ क्या है, 1 लेयर की बनी हुई है। क्यों 1 लेयर की बनी हुई है, क्योंकि इसी से चीजें निकल के डिफ्यूज होके बाहर जाती हैं, सेल्स के पास तक क्या होती हैं, पहुंचती हैं। तो ये था कैपिलरी के बारे में। आगे मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है, 30वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन कंटेन द थिक मसल, थिकेस्ट मसल किसके अंदर पाई जा रही है, यहाँ पे मोटी कौन सी है, तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लड का प्रेशर होगा वो थिक होगी, क्योंकि हार्ट से लेके जाती है, हार्ट ये है पक्का है, हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आर्टरी हमारे स्किन के अंदर काफी नीचे प्रेजेंट होती है, काफी स्किन में डीप प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा होता है, इसी ब्लड प्रेशर को बियर करने के लिए, उसकी क्षमता को, उसको कि वो आर्टरी फट ना जाए, इसीलिए आर्टरी की जो मसल्स होती हैं वो काफी मोटी होती हैं, काफी थिक होती हैं। तो आंसर क्या होगा, थिक मसल कौन बियर करता है, तो आर्टरी बियर करने का काम करती है। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, क्वेश्चन हार्ट का जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड पार्ट है, वो जल्दी आपके सामने अवेलेबल होगा, इसको आप सिर्फ रिवाइज करते रहें, सुबह उठ के एक बार देख लें इसको, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, वो यूपीएससी का एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है, एसएससी का है, आरआरबी का है, जो आपका यूपीएससी के अलावा जो स्टेट का एसएससी एग्जामिनेशन होता है, जो 10th लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं, एनटीएससी का एग्जामिनेशन होता है, सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कवर करेंगे यहाँ पे। तो आप प्लीज़ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपको नए वीडियो, नए क्वेश्चन के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।